आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 27 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ना। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उस पर आप हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर का स्टार आईक्यू 7 बैच है वो ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग जो है ना हरियाणा सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुली अच्छे तरीके से फुली लोडेड कंटेंट है यूं समझिएगा। और बहुत ही डिटेल से ये पूरा बैच है वो तैयार हो रहा है। इसमें अभी तक 7-8 क्लासेस अप्रोक्स जा चुकी है तो आप इस बैच को ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। तो हरियाणा के जिले के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। इस जिले का नाम क्या है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि स्वचालित राशन कार्ड योजना के माध्यम से ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हमारा ही राज्य हरियाणा राज्य बना है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कुछ घोषणाएँ हुई है तो आज के सेशन में मैं वो सारी बातें आपको समझाने वाला हूँ। ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही अपने आप ही राशन कार्ड बन जाएंगे, कहीं अलग से डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वार्षिक आय के आधार पर ही अपने आप ही अंत्योदय या बीपीएल परिवारों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बीपीएल परिवारों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में बढ़ के 30.38 लाख हो चुकी है। काफ़ी ज़रूरी बातें हैं ये याद रखना। और इसकी ज़्यादा जानकारी जो है ना बेसिकली राशन कार्ड डाउनलोड करना है या वैसे तो घर पे ही कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना इन सेंटर पे जाके भी राशन कार्ड अपना डाउनलोड करवा सकते हैं। अपडेटेड राशन कार्ड, अब ये गुलाबी कार्ड मिलेगा या पीला कार्ड मिलेगा या हरा कार्ड मिलेगा ये अपने आप ही अलॉट हो जाएगा राशि के आधार पर। सुशासन दिवस पे एचपीएससी की मांग पे एक नए पोर्टल की भी शुभारंभ जो है ना इसका नया पोर्टल हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टार्ट किया गया है। सार्वजनिक विज्ञापन हेतु नई मांग करने की प्रक्रिया में जो है ना तेजी आएगी। विभागीय नोडल अधिकारी ऑनलाइन जो है ना भर सकेंगे नई मांग को ही। एचपीएससी की मांग के विरुद्ध विभाग से पोर्टल पर जो है ना पूछ सकेंगे कोई भी प्रश्न वगैरह। विभाग पोर्टल पर ही जवाब व प्रश्नों का समाधान भी किया जा सकेगा। एचपीएससी व विभाग पोर्टल पर मांग की स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकेगा। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया, उसमें से एक तो है स्वचालित राशन कार्ड योजना जिसका क्वेश्चन तो बना ही रखा है। जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, ठीक है ना, डिजिटल कॉपी, अब ये जैसे जितनी भी जमाबंदी है उसकी ऑनलाइन फर्द मिलेगी, मतलब डिजिटल कॉपी मिल पाएगी, ये सबसे अच्छी बात है। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों हेतु मुफ्त पासपोर्ट योजना, मान लेते हैं कोई विदेश में जाना चाहता है और वहाँ पे जाके एजुकेशन लेना चाहता है तो उनके लिए फ्री पासपोर्ट, लेकिन जो अभी परसुइंग अपनी डिग्री में है उन्हीं के लिए ही। एचपीएससी मांग पोर्टल ये तो बता ही दिया। एचएसवीपी के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र, कार्य शिकायत निवारण प्रणाली, 8 जिलों में 170 कॉलोनियां नियमित की जाएगी, नए पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन और के अलावा सोनीपत केंद्र एक नई पुलिस कमिश्नरी, इसका अलग से भी क्वेश्चन है पढ़ा दूंगा आपको मैं, अलग से याद हो जाए जैसे कौन से जिले के अंदर नई पुलिस कमिश्नरी आई है तो आप लोगों को ये याद रखना है ये सोनीपत जिले के अंदर नई पुलिस कमिश्नरी आई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम एक्टिव काफी जरूरी है जो आपको याद रखना है। हरियाणा में अलग से बनाया जाएगा एनफोर्समेंट विंग, सुचारू संचालन के लिए अलग से थाने होंगे, एडीजीपी एनफोर्समेंट पद होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले जब इसकी घोषणा हुई थी। एडीजीपी का मतलब है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कोई मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है हरियाणा के पहले एडीजीपी कौन होंगे? मैंने इसके लिए अलग से क्लिप भी बनाई थी और क्वेश्चन भी पढ़ाया था, कमेंट में लिख के बताइएगा। हरियाणा के अंदर वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी है कितनी? तो वर्तमान में 3 है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला के अंदर है। अब सोनीपत को भी नई पुलिस कमिश्नरी जो है ना वो मिलने वाली है।
पुलिस रेंज की बात की जाए तो एक तो करनाल रेंज है जिसमें करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल आते हैं, हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी आते हैं, रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत आते हैं, और साउथ रेंज इसके तहत रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और मेवात जिले आते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नरी जो है ना फरीदाबाद है, फरीदाबाद के तहत ही आता है फरीदाबाद, और इसके अलावा फरीदाबाद बल्लभगढ़ भी है। गुरुग्राम के तहत पूर्वी गुरुग्राम आता है और गुरुग्राम के अलावा दक्षिणी गुरुग्राम भी है। अंबाला पंचकुला के तहत अंबाला पंचकुला ग्रामीण अंबाला आता है। अब सोनीपत चौथी नई पुलिस कमिश्नरी होगी, उसके तहत पड़ने वाले क्षेत्र एक तो सोनीपत ही है, इसके अलावा आवंटित किए जाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी आगे अपडेटेड दे दूंगा जब भी आवंटित होंगे। तो हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के सेक्टर 6 के अंदर है, याद रखना। पहले मुख्यालय चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय भवन में स्थित था। हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार के सीधे नियंत्रण में ही आती है और इसका नेतृत्व हरियाणा के गृह मंत्री ही करते हैं। हरियाणा पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर 112 है और विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है। किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन से जो है ना इसको कॉल किया जा सकता है। ये 112 नंबर स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 12 जुलाई 2021 को। एक भी बात और याद रख सकते हो आप लोग, एक बात और क्या कि डायल 112 नंबर की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। ये भी बात आप लोग याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश। ये सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है जिसको आप लोग ERV के नाम से भी जानते हो। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल इसमें अलॉट होते हैं। जैसे हरियाणा में 630 इनोवा गाड़ी एक साथ लॉन्च की गई थी। सीडेक हैदराबाद ने इसका पूरा कंप्लीट सेटअप तैयार किया था हरियाणा के लिए। और एक बात और भी याद रखना, इसके लिए हरियाणा ने लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली, ठीक है। और अगली बात है कि हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय ये तो हो ही गए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, और अब कमिश्नरी चौथी आ ही गई है जिसका नाम आपका सोनीपत है, घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। और एक खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी ने भी अभी घोषणा की थी कि सोनीपत जिले में एक जिला स्तरीय स्टेडियम है, 4 उपमंडलीय स्टेडियम है, 16 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी आपको याद रखना सोनीपत के अंदर ही है। और इसके अलावा 19 मिनी ग्रामीण स्टेडियम है और इसके अलावा जो है ना 71 नर्सरी भी है सोनीपत में चलाई जा रही है और 30 सरकारी कोच के माध्यम से चलाई जा रही है सोनीपत को। तभी तो आप एजुकेशन सिटी कहते हो, एजुकेशन हब आप लोग कहते हो रोहतक को, ये भी याद रखना। सोनीपत की वैसे स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। ये हरियाणा के मध्य पूर्वी भाग में आता है। सोनीपत का क्षेत्रफल लगभग 2122 वर्ग किलोमीटर है और सोनीपत की उप तहसीलों में राई, खानपुर, कला जरूर याद रखना। सोनीपत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महिला विश्वविद्यालय है, खानपुर कला विश्वविद्यालय, लोग जानते होंगे आप लोग उसको। बहुत इंपॉर्टेंट से स्टूडेंट वहाँ से निकलते हैं, मतलब एकदम चमत्कारी स्टूडेंट होते हैं वहाँ के, यूँ समझिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप लोगों ने मानुषी छिल्लर को भी पढ़ा होगा ना, इसलिए कह रहा हूँ ये बात मैं। और लिंगानुपात जो है ना 853:1000 है। अच्छा, सोनीपत के महिला विश्वविद्यालय जो है ना फूल सिंह, उसके VC का नाम सुदेश छिकारा है, जो थोड़े दिन पहले ही बनी थी, थोड़े टाइम पहले ही। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, सोने का शहर, साइकिल सिटी, हालांकि अब ये बंद हो चुका है एटलस साइकिल का उद्योग, एजुकेशन सिटी, गोल्डन सिटी। एक प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी भी सोनीपत में है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड अभी हाल ही में डॉक्टर सुशील कुमार माही और रुचि सिंह बेदी, इनको मिला है। ए और बी ऑप्शन सही है इस वाले क्वेश्चन के, ऑप्शन का सी ऑप्शन है। इन में तो ये दो ही है, लेकिन बाकी जो है ना इनके समेत 7 कर्मचारी और के साथ ही आयुष्मान भारत हरियाणा में कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर सुशील कुमार माही को स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड मिला है। जो रुचि सिंह बेदी है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर के रूप में काम कर रही है। इनके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग में चीफ इंजीनियर देवेंद्र दहिया समेत 6 तथा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर राज नेहरू समेत 7 कर्मचारियों को स्टेट लेवल अवार्ड से नवाजा गया, सुपर इंपॉर्टेंट बात है। सूचना विभाग के आदित्य चौधरी समेत 3 कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अहलावत समेत 6, सहकारिता विभाग के MD हरखो बैंक के साहिल उपल समेत 5 तथा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CGM MR शर्मा सहित 3 कर्मचारी और अधिकारियों को स्टेट लेवल अवार्ड दिया गया। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप हल्के में मत लेना, नोट्स बनाना है, अच्छे से एक एक चीज़ें लिखनी है आप लोगों को।
इसके अलावा पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर राजीव समेत कुल 14 लोग, शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर विवेक कालिया समेत 5 लोग, हरियाणा शहरी विभाग प्राधिकरण विभाग में चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस बीबी गुप्ता समेत 7 लोग, जो मेन आदमी उनके नाम लिख रखे हैं, ठीक है। और राजस्व विभाग में टेक्निकल डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह 4, बागवानी विभाग में जॉइंट डायरेक्टर रणबीर सिंह समेत 7, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप डबास, और इसके अलावा विकास एवं पंचायत विभाग में एक्सएन नवदीप सिंह 7 लोगों को स्टेट लेवल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और मुख्यमंत्री जी ने समारोह में अंत्योदय कार्ड को भी जो है ना 5 लाभार्थियों को यहाँ पे वितरित किए थे। हरियाणा सरकार साल 2023 को किस रूप में मनाएगी, क्या बात है, गजब का सवाल है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। देखो 2020 को हरियाणा ने मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया था, याद हो तो। साल 2021 को हरियाणा ने दो रूप से मनाया था, एक सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में, एक ऑक्सी वन के रूप में, जिसमें 3 करोड़ पौधे लगाए थे। 2022 को हरियाणा सरकार मना रही है अंत्योदय वर्ष के रूप में, लेकिन 2023 को हरियाणा सरकार मनाएगी अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में, ठीक है ना। ये आरोग्य वर्ड आप समझ गए होंगे, गोल्डन कार्ड चिरायु कार्ड बांटे जा रहे हैं, 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है ना वो फ्री होगा 5 एकड़ से कम जमीन वालों का, और 1,80,000 सालाना इनकम जिनकी कम है इस क्राइटेरिया को जिसने भी पूरा किया। और इसी के साथ ये अवार्ड तो मैंने बता दिया, टोटल 118 अधिकारी कर्मचारियों को अवार्ड दिया है, ठीक है ना। और इसके अलावा 22 सुशासन पुरस्कार भी बांटे हैं। ये आंकड़े याद कर लो तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल की शुरुआत किसने की है? श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में की है मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। इस पोर्टल का मतलब क्या है कि नागरिक कार्य की गुणवत्ता में कमी, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें अगर आती है तो आप इस पोर्टल पर जाके ये शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ठेकेदार भी बिलिंग, भुगतान और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें जो है ना इस पोर्टल पे, वक्स शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पे कर सकते हैं। तो हरियाणा का नागरिक सोशल ऑडिट में जो है ना भाग ले सकेंगे, इंजीनियरिंग परियोजना में शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है और शिकायत का तुरंत ठीक करने पर जो है ना वो कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी। और इसी के साथ में हरियाणा सरकार ने साल 2023 के अधिकारी कैलेंडर तथा मैनुअल ऑफ ऑफिसर प्रोसीजर का विमोचन भी किया है साथ के साथ ही, ठीक है। और हरियाणा के अंदर इसी के साथ ही विंटर सेशन भी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट डे जो विंटर सेशन का था उसमें हरियाणा विधानसभा के अंदर तकरीबन 5 बिल जो है ना वो पास किए गए हैं, जिसमें से हरियाणा म्यूनसिपल टैक्स रिपील बिल है, एक हरियाणा माइनर कैनाल बिल है, एक हरियाणा स्टेट ट्यूबवेल बिल है, एक हरियाणा स्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स बिल है, एक हरियाणा स्मॉल टाउन्स रिपील बिल है। ये टोटल 5 बिल जो है ना पास किए गए हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है, क्योंकि हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं ये, और बाकी जिनकी बकाया है उनको 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। इस बार का ये सेशन सारा डिजिटल था, आपको सबको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब के टेबल पे टैब लगी हुई थी, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ये ई विधानसभा बन चुकी है हरियाणा की वर्तमान में, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने धानुका एग्रीटेक के आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया, बताना इसके बारे में विस्तार से। जो भी जिला है उस जिले के बारे में भी कुछ लिखना, जितना लिख सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल जरूर रखना।